हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। एंड आई डोंट नो, सबसे पहले तो वीडियो किस डेट पर आ रहा है। और आई नो कि सबके मन में सवाल होंगे कि भाई आपने बहुत टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं, ना स्निपेट्स आ रहे हैं, ना आपने कुछ अपडेट किया है। तो देखो, सीन ऐसा है कि दिवाली तक सब कुछ सही चल रहा था, तुमको पता ही है। लेकिन दिवाली के बाद में सडनली थिंग्स चेंज एंड प्रणय के पापा को कोविड हो गया और ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। ही इज़ ओके नाउ, ही इज़ फाइन नाउ। बट जब ये चीज़ आपके घर में होती है ना, तो आपको पता चलता है कि यार कोविड क्या चीज़ है। फिर कोई भी बीमारी हो, जब अपने घर पे होती है तब समय रियलाइज़ होता है। भले ही आप कितने भी प्रिकॉशंस ले रहे हो, लेकिन जब अपने घर पे होती है तो वी रियलाइज दैट। और प्रणय और मेरे को ऐसे अलग नहीं है, राइट? तो ये हुआ। अब ऐसे टाइम पे यार स्निपेट्स रिकॉर्ड करना, मतलब वो ध्यान ही नहीं जा रहा था उधर साइड, राइट? और अगर हम करना भी चाहें स्निपेट्स रिकॉर्ड, तो प्रणय का भी थ्रोट ख़राब था। प्रणय को भी यू नो खांसी चल रही थी। ही वॉज नॉट पॉजिटिव, बट उसको भी खांसी चल रही थी। तो अगर वो चाहे भी तो भी 15-20 सेकेंड से ज़्यादा बिना खांसे रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। एंड तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, मैं कर लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारा काम नहीं रुकना चाहिए यार। तुम्हारे लिए जो लाया गया वो रुकना नहीं चाहिए। अब मैं इधर सोचूँ कि मैं करूँगा, और मैं करने वाला था, एंड उतने में मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। शी वॉज नॉट पॉजिटिव, बट शी वॉज नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो। तो अब मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ चल रही है, मतलब प्रणय के घर पे भी थिंग्स आर नॉट गुड, इधर भी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। चीज़ ओके, एंड अगर मैं बात करूँ तो फिर मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद में मेरा गला बैठ गया इन द सेंस वही थ्रोट इन्फेक्शन एंड खांसी। तो अब मैं भी चाहता हूँ अगर कि मैं रिकॉर्ड करूँ, तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता था, नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था हेडेक एंड थ्रोट इन्फेक्शन एंड यू नो खांसी वगैरह। अभी भी अगर तुम सुन सकते हो तो आई एम स्टिल नॉट सो वेल, बट होपफुली मैंने जो वीडियोस तुम्हारे लिए प्लान कर रखे थे वो सारे दिवाली के उन 3-4 दिनों के अंदर रिकॉर्ड कर लिए थे। एंड वैसे देखे बाहर निकलना नहीं था, तो मैंने जो भी सीरीज़ में प्लान कर रहा था वो सारी की सारी मैंने वो 3-4 दिनों में रिकॉर्ड कर ली थी। तो आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है। एंड अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन इज़ नाउ वर्किंग विथ मी एज एन एडिटर, मतलब इज़ नॉट वर्किंग, बट आई अप्रोच्ड हिम। मैंने उसको बोला कि भाई मेरे जो वीडियोज़ हैं वो एडिट कर दें, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगा। एंड तो ये जो भी वीडियोज़ आप देख रहे हो सारी अपनी स्टाइल में, हमारे चैनल की स्टाइल है, उसमें एडिट हो रहे हैं। तो इसलिए यार कुछ अपडेट नहीं मैं कर पाया था, क्योंकि कुछ अपडेट करने के लिए टाइम नहीं था और मन भी नहीं था, ठीक है। सो थिंग्स आर ओके नाउ, थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ। अभी तबीयत मेरी भी थोड़ी सी ख़राब है, बट आपको जो भी वीडियोज़ अभी देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे, ठीक है। सारे के सारे ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे, तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। एंड थैंक्स टू गॉड कि मैंने वो रिकॉर्ड कर लिए थे, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए ना। कुछ भी हो जाए, बट चीज़ें रुकती नहीं हैं, राइट? तो मैंने कहा अगर मैं एडिट नहीं कर सकता तो मेरे दोस्त से करवा लेते एडिट, ठीक है। तो देखो वीडियो, एंड एक और नया वीडियो आएगा जल्दी ही, ठीक है। सो या आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे, और प्लीज़ टेक केयर। आई नो कि इट्स हार्ड टू से दिस, बट यार ये मतलब प्रिकॉशंस लो और बस स्टे सेफ, ओके। चलो वीडियो देख लो, एंड जिस भी डेट पर आ रहा है एंजॉय करना, जो सारी शीट्स हैं वो तुम लोगों के लिए, ओके। बाय बाय। ओके, सो हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं हमारी फॉर्मूला शीट्स को लेकर। सो बेसिकली सीन ऐसा है कि अभी आपकी प्री बोर्ड जाने वाली है और उसके बाद फिर बोर्ड भी आएंगी, लेकिन एक डिमांड जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा आई थी कि भैया आप फिजिक्स की और मैथ्स की एक ऐसी फॉर्मूला शीट बनाओ जिसको हम अगर देखते हैं, समझते हैं, तो हमारे फॉर्मूलाज एटलीस्ट क्लियर हो जाएं। क्योंकि ऑफकोर्स फिजिक्स के अंदर आपके लाइट के अंदर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ में आपके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ऐसा कुछ भैया आप लेकर आओ, ऐसी कोई फॉर्मूला शीट लेकर आओ जिससे कि हमारी प्रिपरेशन आसान हो पाए। मैंने कहा अगर तुमने मांगा है तो लाना तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ फॉर्मूला शीट्स की नहीं, तो और एक इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो,
आपके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला शीट बनाई गई है। मैथ्स की हम पहले बात करते हैं, फिर हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे, ठीक है। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी जो आपकी फॉर्मूला शीट है आपके लिए खास तौर पर बनाई गई है। यहां पर आपको हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट नहीं, सारे फॉर्मूलाज इस पूरी शीट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली छोटी सी बुकलेट है जहां पर आपको हर एक चैप्टर का, ठीक है, हर एक चैप्टर का आपको यहां पर फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई गई हैं जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यार इनको याद कैसे करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर जो हमारा प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन है, प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने ये तक लिख रखा है यहां पर कि आपको जो कार्ड्स देखने को मिलते हैं, जो कार्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके अंदर हार्ट कौन सा होता है, डायमंड कौन सा होता है, क्लब कौन सा होता है और स्पेड कौन सा होता है, हर एक में कार्ड्स कितने होते हैं और हर एक के फेस कार्ड्स कितने होते हैं और एस कार्ड्स कितने होते हैं, ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। जो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर उनके बारे में भी लिखा गया है एंड आपकी प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी यहाँ पर एक टेक्स्ट के फॉर्म में आपको सामने दिख जाएगा, ठीक है। ये डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती थी तो आपको इस फॉर्मूला शीट को देखिए जी समझ में आ जाएगी। इसी के साथ साथ आपके स्टैटिस्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर अप हो चुके हैं, तो स्टैटिस्टिक्स भी के सारे फॉर्मूलाज आपके कवर्ड हैं, ओके। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, ये भी सारे के सारे आपके फॉर्मूलाज कवर्ड हैं यहाँ पर और हर एक चीज डिटेल में लिखी गई है। आपका सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर, उसके बाद में फिर कोन, स्पीयर और फ्रस्टम भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, ऑलराइट। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको देखने को मिल जाएंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे फॉर्मूलाज, उसका एंगल वाला टेबल, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा, ओके। अगर मैं बात करूंगा एपी की और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसे आपको फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे जो कि शायद कहीं ना कहीं अप्लाई होते हैं, वो भी यहां पर लिखा हुआ है। बेसिकली फॉर्मूलाज उसमें ज्यादा नहीं है, उसमें बेसिकली थ्योरम के जो फाइनल रिजल्ट है वो है। तो इसके अंदर जो दो मेन इंपॉर्टेंट है वो लिखे गए हैं, ठीक है, और जो ऑफ कोर्स जो जितने हैं उतने सारे लिख दिए गए हैं, ऑलराइट, ग्रेट, अमेजिंग। उसी तरीके से आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसके बारे में भी लिखा गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया और यहाँ पर आपका रियल नंबर्स और पॉलीनोमियल्स, तो सारे के सारे चैप्टर जो यहाँ पर कवर किए गए हैं मैथ्स की फॉर्मूला शीट के अंदर, ऑलराइट। अगर मैं भी बात करता हूँ फिजिक्स की, ठीक है, तो ये रही आपकी फिजिक्स की फॉर्मूला की शीट। फिजिक्स का जो लाइट वाला चैप्टर है इसके अंदर आप देख सकते हो कि मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, उसके बाद में फिर हमारा पॉजिटिव किस साइड में होता है, नेगेटिव किस साइड में होता है, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड की बातें की हैं, फिर लेंस की बातें की, यहाँ पर लेंस फॉर्मूला क्या होता है, फिर लेंस के अंदर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ऑलराइट, एंड साइन कन्वेंशन की बातें इसके अंदर भी की गई है, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका आखिरी वाला पॉइंट है और स्नेल्स लॉ के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, ग्रेट। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ये रहे वो सारे फॉर्मूलाज, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज को समअप कर दिया गया है आपके पावर से लेकर। तो यहाँ पर आप ओम्स लॉ देख सकते हो, यहाँ पर आपको हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे, सारे के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर नोट डाउन कर दिए गए हैं। रेजिस्टेंस हो गया, उसके बाद में फिर आपका सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंसेस हो गया, सीरीज या फिर पैरेलल, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी भी प्रॉपर तरीके से कवर अप हो चुका है। अब इसी के साथ साथ मैथ्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि है थ्योरम्स का, ठीक है। आपकी बुक के अंदर कुछ थ्योरम्स बिल्कुल आपको सटीक तरीके से दिए गए, पूरे एक्सप्लेन करके दिए गए, लेकिन कुछ थ्योरम के अंदर एक स्टेप लिख के आगे लिख दिया गया है वाई, मतलब हम ही से पूछ रहे हैं वाई, ठीक है। तो इस चीज का भी सोल्यूशन निकाल दिया गया है। आपके जितने भी थ्योरम्स है वो सारे थ्योरम्स को प्रॉपर तरीके से प्रूव किया गया है, ठीक है। थ्योरम 6.1 से लेकर 6.9 तक हर एक थ्योरम आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, सारे के सारे थ्योरम्स को। और इसके अंदर ये भी लिखा गया है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज हम यूज कर रहे हैं तो वो कौन से थ्योरम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ऑलराइट। ये सारे के सारे थ्योरम्स जो आप देख सकते हो, ये सारे के सारे थ्योरम्स आपके एनसीईआरटी के, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर अगेन बहुत सारे थ्योरम्स में ऐसा आगे वाई लिख दिया है, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज तुम्हें अभी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि थ्योरम जब हम प्रूफ, ये थ्योरम्स के जो प्रूफ हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है कि नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भाई साहब अगर डिटेल्ड नहीं दिए गए हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम तक डिटेल पहुंचाया जाए, ओके। ये सारे के सारे थ्योरम्स आपको अगेन डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएंगे, बस आपको लिंक पे क्लिक करना है और देखना है या फिर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। सारे के सारे फॉर्मूला शीट्स की लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही साथ में हर एक चीज टेलीग्राम पर भी अपडेट हो जाती है, तुम वहां पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हो, फिर डाउनलोड कर सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पर चैनल पर आपके लिए प्री बोर्ड के लिए एक बहुत ही तगड़ी चीज आने वाली है, एक बहुत ही तगड़ी सीरीज आने वाली है जो कि आपकी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, अगर शून्य से शुरुआत कर रहे हैं तो, ठीक है। जिन क्रैश कोर्सेज के लिए हजारों रुपए लिए जाते हैं वो चीज चैनल पर हमारे फ्री आने वाली है, ऑलराइट। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, आपको सारी की सारी फॉर्मूला शीट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, ठीक है, एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो यार, विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।